तो भाई गन लोड कर ली है, बुलेट अंदर है, पैराशूट भी अंदर है, देखते हैं क्या होता है। तो चलो निशाना लगा रहा हूं मैं, 3 2 1 एंड शूट। This channel does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this channel is meant for educational purpose only. तो भाई कैसे हो आप लोग? तो भाई लौट आया हूँ मैं आपके लिए एक बड़ा यूनिक सा एक्सपेरिमेंट लेके। यहाँ पे अपने पास है कि एरो और ये एरो गन, और अपने पास एक बुलेट भी है, बंदूक की जो गोली होती है। आज हम देखने वाले हैं कि अगर हम एक एरो के ऊपर और एक बुलेट के ऊपर एक पैराशूट बांध दें, क्या उसकी स्पीड कम हो जाएगी? है नहीं है? बढ़िया आइडिया, अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करो। और अब चलते हैं आगे कि आज होने वाला क्या है, कैसे होने वाला है। तो भाई यहाँ पे एक पैराशूट तैयार करके रखा हुआ है मैंने आप लोगों के लिए, ये आप देख सकते हो ऑलरेडी रेडी कर रखा है। इसे हम माउंट करने वाले हैं इस एरो के ऊपर, इधर पीछे से बांध देंगे और फिर इस एरो को डालेंगे एरो गन में और इसे शूट करेंगे, देखेंगे क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम इस एरो को अपनी एरो गन में डालेंगे और विदाउट पैराशूट इसे शूट करेंगे, देखेंगे ये गन कितनी पावरफुल है, किस स्पीड से ये एरो जाते हैं, ताकि हम डिफरेंस समझ पाएं विद पैराशूट एंड विदाउट पैराशूट। तो भाई कैन रेडी है वहां पे, ये रही गन, निशाना लगाते हैं, रेडी फॉर एक्शन हो जाओ। ये तो भाई आपने देखा एरो कितनी स्पीड से गया था, पेंट कैन भी उसके साथ बहुत दूर तक चला गया। आ जाओ आपको दिखाता हूं भाई हुआ क्या है। ये देखो ये पड़ा है पेंट कैन और एरो, इसमें हो गए आर पार। ये देखो बिल्कुल आर पार हो गया इसके अंदर, छेक हो गया इसमें। कितनी पावर है इस गन में, ये देखो, है ना कमाल की चीज़। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो एरो की स्पीड कितनी ज़्यादा रही होगी। तो अब इस पे माउंट करते हैं अपना पैराशूट और फिर इसे शूट करके देखेंगे। तो भाई अब बारी आ गई है पैराशूट एरो की। पैराशूट इस पे बांध दिया, अच्छे से टाइटली फिक्स कर दिया आप लोग देख सकते हो। इसे गन में लोड कर देते हैं और अगर ये सक्सेसफुल रहा ना तो फिर यहाँ पे बुलेट पैराशूट भी रखी, ये बुलेट है इसके पीछे पैराशूट रखा हुआ है, इसे भी हिट करेंगे वो भी आईफोन पे। तो फटाफट से इसे लोड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो भाई क्या लगता है आपको, वहाँ पे कैंस हैं, क्या ये एरो पहुँच पाएगा कैंस तक, उन्हें हिट कर पाएगा या पैराशूट में रोक लेगा? मुश्किल 10 मीटर का डिस्टेंस होगा ये। तो चलो चेकआउट करते हैं इसको, फायर करते हैं, शूट करते हैं। तो भाई कर रहे हैं 3 2 1 एंड शूट। तो भाई अब बारी आ गई है 3D प्रिंटेड बुलेट की। ये देखो 3D प्रिंटेड एक बुलेट तैयार कर रखी है जिसके पीछे बांध रखा है ये छोटा सा क्यूट सा पैराशूट, और यहाँ पे है ये मेरा आईफोन, इसे रिक्स पे डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, देखते हैं क्या होता है, क्या ये बुलेट इस पे आके लगेगी, ये क्रैक हो जाएगा आईफोन या बच जाएगा, ये पैराशूट रोक लेगा गोली को, देखते हैं क्या होता है। तो भाई गन लोड कर ली है, बुलेट अंदर है, पैराशूट भी अंदर है, देखते हैं क्या होता है। तो चलो निशाना लगा रहा हूँ मैं, 3 2 1 एंड शूट। भाई आप देख सकते हो आईफोन एकदम ओके है, क्योंकि गोली आईफोन तक पहुंच ही नहीं पाई। गोली बड़ी स्पीड से निकली थी, अभी मैंने अच्छे से स्लोमो को देखा, गोली पहले निकली, धीरे धीरे पैराशूट खुला और पैराशूट ने खुलते ही गोली की स्पीड कम कर दी और उसको बिल्कुल रोक लिया, आईफोन तक पहुंच भी नहीं पाई, यानी कि ये सक्सेसफुल है कुछ हद तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा अब ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दो।